और देखिए, राजधानी लखनऊ में हाउस टैक्स की दरें बढ़ सकती हैं, दोगुनी हो सकती है हाउस टैक्स की दरें। लखनऊ में वाटर टैक्स भी बढ़ाने की तैयारी है। हाउस टैक्स बढ़ने से 6 लाख भवन मालिकों पर इसका असर होगा, 4 लाख भवन मालिकों पर वाटर टैक्स बढ़ने से असर होगा। राजधानी लखनऊ में 13 साल से हाउस टैक्स की दरें बदली नहीं है, लेकिन मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने नगर निगम को आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया करार दिया। कहा कि वाली स्थिति को देखते हुए अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिए। नगर निगम की आय में हाउस टैक्स का हिस्सा 70 से 80% तक होता है। और इस पूरे मामले पर अब नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने एबीपी गंगा के संवाददाता से बातचीत की। कहा कि फिलहाल तो ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन आशंका है कि हाउस टैक्स बढ़ सकता है, वाटर टैक्स बढ़ सकता है, जिससे कई उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। लखनऊ नगर निगम आने वाले दिनों में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, इससे जुड़ा प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। हमारे साथ में इस समय लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी हैं। सर, किस तरह का प्रस्ताव है ये? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही कोई ऐसा भी है, क्योंकि ये सदन का प्रेरोगेटिव है। तो अभी जब नया सदन का गठन हो जाएगा, फॉर्मली वैसे हो चुका है, तो सदन जो डिसाइड करेगा वो होगा। लेकिन जो एक चीज़ मैं इसमें जरूर ऐड कर दूँ कि जो हमारा टैक्स का बेस है उसको बढ़ाने का हमारा प्रयास है। पिछले साल भी था कि जैसे पिछले साल हमने 50,000 प्रॉपर्टीज़ टैक्स के लिए और ऐड की थी, और उसमें फिर सारे टैक्स जुड़े मतलब उनके आ जाते हैं, तो उससे हमारा इंक्रीज़ भी हुआ है। क्योंकि अगर हम बिजली के डेटा को देखें और जो नगर निगम के डेटा के देखें, गैप है 2 से 2 लाख प्रॉपर्टीज़ का, उनके जो कनेक्शन है वो ज़्यादा है, हमारे कम है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज़ टैक्स नेटवर्क के, प्रॉपर्टी टैक्स नेटवर्क से बाहर है। तो हमारा कोई प्रपोजल नहीं अभी, जैसे ही सदन आएगा, नए मेयर आएंगे और सदन जो डिसाइड करेगा, उनकी जो दिशा निर्देश होगी हम उसको फॉलो करेंगे। और लेकिन तब तक हम लोग प्रयासरत हैं ये जो टैक्स नेटवर्क से बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं इनको जरूर कवर करें और लीगल तरीके से कवर करें। सदन जो डिसीजन लेगा वो लेंगे, लेकिन इसमें जो टैक्स का जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी सर्विसेज देनी होती है, डेली हमारे खर्चे बहुत है। अगर आप कूड़ा प्रबंधन ही लें तो 200 ट्रक जो है पूरा कूड़ा जो है शिफ्ट करते हैं शिवरी में, तो उसका अगर आप देखिए डीजल, मैन पावर, तो इट्स ए ह्यूज कॉस्ट। तो उसको मेंटेन करने के लिए, अच्छी सर्विसेज देने के लिए, हमारा जितना अच्छा टैक्स कलेक्शन या टैक्स का बड़ा बेस होगा वो नगर निगम के लिए और शहर के लिए अच्छा है। क्योंकि हर जगह से जहाँ से भी हम फंडिंग लेते हैं तो वो पहला यही चीज़ देखते हैं कि हमारे ओन रिसोर्सेज कितनी फंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है, तो इसलिए हर नगर निगम इस पर वर्क कर रहा है, अक्रॉस इंडिया इस पर वर्क हो रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।